बहुत अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि पद्मश्री ये सालों से इट्स वन ऑफ द मोस्ट कवेटेड अवार्ड्स और जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है फॉर वॉट एवर सर्विस वी हैव डन इन आर फील्ड्स. तो पद्मश्री हैज़ इट्स ओन चार्म और हमेशा से उसका एक ऑरा एक अलग रहा है. एंड एस्पेशली दिस हैज़ कम एज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज क्योंकि आई नेवर एक्सपेक्टेड, ना मैंने कुछ मतलब कोई कोशिश की थी या ना बायोडेटा भेजा था या नथिंग हैड बीन डन इन दैट डायरेक्शन. सो इट वॉज रियली अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. जिस दिन पद्मश्री मिला हमेशा मुझे याद रहेगा बिकॉज चैनल्स की तरफ से फ़ोन्स आए कि ऐसे से आपको सुना कि आपको ये अवार्ड मिला है एंड इट वाज वेरी नाइस टू हियर दैट. एंड ऑफ कोर्स जब होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी फ़ोन आया उन्होंने पूछा कि डू यू हैव एनी प्रायर इंटीमेशन अबाउट दिस. सो ऐसे कि मुझे तो कुछ पता नहीं है बट इट वाज वेरी वेरी नाइस क्योंकि आई हैव बीन वेरी क्लोज टू द चैनल्स और जब इन लोगों ने फ़ोन करके पूछा कि ऐसे हमने सुना है एंड दे कंग्रेचुलेटेड मी, इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे. मैं कहूँगी कि इट हैज़ बीन अ वेरी रिच जर्नी बिकॉज जितने भी अलग अलग फेजेज आए इस जर्नी में एंड इट ऑल स्टार्टेड विद फिल्म के गाने, डुएट्स, सोलोज, अलग अलग भाषाओं में गाने. फिर देन द सेकेंड फेज वॉज विद टी सीरीज जहाँ पे आशिकी दिल के मानता नहीं 90s विच आर द गोल्डन 90s और आज भी लोग कई प्रोग्राम्स करते हैं कि 90s के गाने सिर्फ ओनली 90s मतलब उनके चैनल्स पे वो चलाते हैं, रेडियो स्टेशन पे चलाते हैं. देन इट वाज फॉलोड बाय डिवोशनल्स, देन अगेन इट वाज फॉलोड बाय प्रोग्राम्स एंड नाउ अलोंग विद द प्रोग्राम्स मैं सोशल सर्विस में भी, सोशल कॉजेज के लिए भी मैं काम कर रही हूँ विच आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर विद यू कि हम लोगों ने अभी पिछले साल भी सूर्योदय जो मेरा ट्रस्ट है, हमारा ट्रस्ट है इज बेस्ड इन इंदौर और उसके ज़रिए मैंने काफ़ी सारे फार्मर्स जो ड्रॉट स्ट्रिकन फार्मर्स हैं या आत्महत्याग्रस्त जो फार्मर्स हैं उनकी फैमिलीज़ को हमने बहुत हेल्प किया है. सो दैट वाज अ मेगा थिंग. देन वी वर्क फॉर द वाटर के लिए हम लोगों ने वहाँ पे जल संधारण का काम किया है. तो वेरियस एस्पेक्ट्स पे हम लोगों ने वहाँ पे बीड जिला में हम लोगों ने काम किया एंड नाउ आई प्लान वर्किंग फॉर द टू डू समथिंग फॉर द आर्मी फ्रॉम आर्बिट. मतलब सिविलियंस हम लोग बहुत चाहते हैं बट वी डोंट नो कि मतलब सही ज़रिया क्या है उन तक पहुँचने का. सो अभी मेरा 15 तारीख को आर्मी डे के उपलक्ष्य में मेरा प्रोग्राम हुआ था तो मैं उनसे मिली एंड इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी क्योंकि मैंने जब उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि हम जिनके लिए यहाँ लड़ रहे हैं तो इट वुड जस्ट बी अ वेरी नाइस फीलिंग अगर हमें ये पता चले कि सिविलियंस और हमारा देश भी हमारे फैमिली के लिए उतना ही केयर करता है. तो जबकि ये हमारा फ़र्ज बनता है. सो इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो येस डेफिनेटली आई वुड बी ट्राइंग कि मतलब पूरा हिंदुस्तान सभी सिविलियंस हम आर्मी के फैमिलीज़ के साथ जुड़ जाएं और उसके साथ साथ अगेन थ्रू सूर्योदय हमारा जो फाउंडेशन है तो उसके ज़रिए ऑलरेडी वी हैव मतलब डीलिट का अवार्ड जिस यूनिवर्सिटी ने मुझे अभी दिया डॉक्टरेट का तो उस यूनिवर्सिटी ने डीवाई पाटिल जी के तो 5 आर्मी के बच्चों को दे हैव स्पॉन्सर्ड 5 चिल्ड्रन फॉर फ्री एजुकेशन इन देयर कॉलेजेस. तो आई एम ट्राइंग फॉर मोर कॉलेजेस टू कम इन और एक्सटेंड दिस सपोर्ट और देखें आप लोगों का सहारा चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बिकॉज मीडिया चैनल्स इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वे ऑफ कनेक्टिंग है ना, एक ब्रिज बहुत अच्छा बन सकता है. वेल इट हैज़ स्टार्टेड वेल फॉर मी ये ज़रूर मैं कहूँगी क्योंकि डीलिट के बाद, डॉक्टरेट के बाद इट वाज़ द शरद पवार अवार्ड जो मुझे मिला है उनके फाउंडेशन के तरफ से एंड देन इमीडिएटली द नेक्स्ट डे इट वाज़ द पद्मश्री. सो इट हैज़ ऑगर्ड वेल एंड यस्टरडे आई हैव संग इन द गांधी स्मृति
दिल्ली में गांधी जी के लिए इन फ्रंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड वाइस प्रेसिडेंट. See, I would like to, I'm trying to rope in a channel, you know, जिसके ज़रिए हम उन तक पहुँच सकें, लोगों तक पहुँच सकें. And then what I want is, it's like adopt a family or connect to a family, but this is not monetary. Let me emphasize, this is not monetary. It is on a very humanitarian ground. And then we will connect to a body of आर्मी पीपल ओनली, जैसे रिटायर्ड आर्मी होते हैं, आर्मी मैन होते हैं या वेटरन्स होते हैं, हु वुड हैव द एड्रेसेस ऑफ द फैमिलीज एंड देन दीज फैमिलीज विल बी डायरेक्टेड टू दोज फैमिलीज. इस तरह से यू नो सो दैट कभी वंस इन अ वे उनको कॉल किया या कॉल देम ओवर या विजिट देम या जैसे दिवाली है या कोई फंक्शन है तो उन फैमिलीज को भी बुला लिया. सर No, this will be definitely a Suryoday initiative, and I am talking to a lot of people also from the government, but more than the government, I think it is the army, the ex-army men who will be able to be of a lot of help because they know the kya unki difficulties hai and how to connect. So I am talking to a lot of those people. आजकल आप देखेंगे कि देर इज नॉट रियली मच ऑफ माई काइंड ऑफ म्यूजिक यू नो दैट्स देयर इन फिल्म्स. आई डोंट सी माई सेल्फ सिंगिंग पॉप एंड जैज काइंड ऑफ सॉन्ग्स. तो डेफिनेटली मे बी आई मे कम आउट विद नज़म्स और समथिंग दैट इज यू नो एसोसिएटेड विद गुड गुड मेलोडियस म्यूजिक. मैम मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हाल ही में अभी आने वाला है, बजट आने वाला है, तो आपकी क्या राय, मतलब कैसा हो फिल्म इंडस्ट्री के लिए, मतलब आप क्या कहना चाहोगे? आई एम सॉरी लेकिन बजट और ये मतलब मुझे दूर दूर तक नहीं, इतना समझ में नहीं. I really don't know क्योंकि दिस इज़ अ वेरी फनी फिल्म इंडस्ट्री और हम लोगों की टेम्परामेंट भी विचित्र है. ऑन वन हैंड वी आर फाइटिंग कि नहीं ये बैन होना चाहिए, ये एक्टर बैन होना चाहिए, ये होना चाहिए बिकॉज यू नो जो हुआ था, एंड देन द सेम फिल्म उसको हम लोग ही उतना सुपरहिट करते हैं. सो यू सी दैट कॉन्ट्रास्ट, दैट इज़ समथिंग विच आई कैन डाइजेस्ट. So I'd rather keep away from. और अभी के जो सिंगर्स हैं उसमें आपका फेवरेट सिंगर कौन है? जैसे अभी सभी अच्छा गाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है. श्रेया है, लॉट ऑफ पीपल दे आर रियली वेरी गुड सिंगर्स. इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि छोटे छोटे बच्चे भी जो गाते हैं ऐसे, आई ऑलवेज वंडर कि इन्होंने रियाज कहाँ किया होगा, कहाँ गाना सीखा होगा. छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चे बहुत बहुत लाजवाब गाते हैं. सो एवरीबडी इज़ डूइंग अ वेरी good job and it's commendable. Na film song se to devotional song tak aapka wo safar kaisa raha? Filmi song se devotional nahi kahungi because devotional was always there. I in fact meri jab shuruaat hui film industry mein wo bhi ek shiv stuti se hi hui, to devotional has always been a part of my life and it was just a transition. सिंस इट वॉज ऑलवेज देर, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, कोई ऐसे जारिंग नहीं लगा मुझे.